हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का लोगो कैसे बना सकते हो। और दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने चैनल का जो है लोगो नहीं बनाओगे, अगर आप अपने चैनल का लोगो नहीं बना रहे हो, आपको अपने चैनल का लोगो क्यों बनाना चाहिए, नेसेसरी क्यों है, ये बहुत यूजफुल है। आपके जो चैनल है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो अपनी फोटो लगा सकते हो, लेकिन फोटो से उतना नहीं होता है। मेरे चैनल पर आप देख सकते हो मैंने लोगो नहीं डाल रखा है, क्योंकि मैं पहले लोगो डाल चुका हूँ, लेकिन अब वापस भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं वही रखूंगा। लेकिन अगर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगो बनाना चाहते हो तो आप अपने ऐसे इससे बना सकते हो। आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आप लोगो पिक्सल लैब से कैसे बना सकते हो। मैं आपको पिक्सल लैब के कई बारे में बता चुका हूँ कि पिक्सल लैब से आप कैसे थंबनेल बना सकते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको लोगो के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बैल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा मैं इस टाइप की वीडियोज डालता रहता हूँ, तो आपको यूट्यूब के और टेक के जो है वीडियोज मिले, आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप पिक्सल लैब बड़े आसानी से अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर उसको मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसमें करना क्या है। चलिए तो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे तो आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है जो ये न्यू टेक्स्ट है, इसको पहले तो आप यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन बजाएगा इसको डिलीट कर दें। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये आपको ये मिलेगा, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन होगा नीचे, ये इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर चूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ ग्रेडिएंट मिलता है, तो आपको कलर पे जाना है। आपको यहाँ पे व्हाइट कलर कर लेना है, क्योंकि व्हाइट कलर ठीक रहेगा। आप चाहे तो कोई और भी कलर कर सकते हो, व्हाइट ठीक रहेगा। व्हाइट कलर करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो ए वाला है इस पर क्लिक करना है, यानी टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट पे जाओगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिट। हम लोग टेक्स्ट में अपने चैनल का नेम लिख देंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि मैं लिखता हूँ अपने चैनल का TSS, आपको कैपिटल में सब कुछ बनाना है। इसके बाद डन, डन करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा ओके। अब आपको करना है यहाँ पे साइज बढ़ाना है, साइज का है तो आपको साइज बढ़ा लेना है, और साइज एकदम और ठीक रखना है। यहाँ पे मैंने ये साइज कर लिया है। अब इसके बाद और अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो कलर अभी इसको नहीं चूज करना है, आपको टेक्सचर करोगे, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोल्ड करने के लिए स्टाइल वाला एक बी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद इस पे बोल्ड कर देना है, ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे वापस पीछे आना है। इसके बाद टेक्स्चर, टेक्स्चर पे जाना है, और यहाँ पे इमेज पे अपनी गैलरी से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लूंगा, ये वाला इमेज। इसके बाद मैं यहाँ पे टिक पे जो है ये है इस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, ये आ गया टेक्स्चर। आप इस टेक्स्चर को अच्छी तरीके से स्केल भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। मैंने कर लिया ये देखिए। आप चाहे तो और भी बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स डाउनलोड करते हुए भी यहाँ पे टेक्स्चर लगा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, और ये हो गया आपका ये। बस अब आपको टेक्स्ट पे कुछ नहीं करना, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो है ये जो ए के बाद ऑप्शन आता है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है शेप्स पे, ये शेप्स है इस पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ ये शेप्स पे आपको स्क्वायर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्कल चूज करना है। सर्कल चूज करने के बाद टिक करना है यहाँ पे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्सचर पे जाना है, ठीक है। वापस टेक्सचर पे जाइए, इसका भी टेक्सचर वही करिए जो अभी उस टेक्स्ट का किया था। आप अपने हिसाब से वॉलपेपर, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको वॉलपेपर पसंद है वही डाउनलोड करके लगा लीजिए। तो ये मैं वॉलपेपर लगा देता हूँ, ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ इसलिए। इसके बाद हम लोग उसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, आप चाहे तो उतना ही रहने दे सकते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए। इसके बाद हम लोग को उसी के हिसाब से सेट कर लेंगे, आपको जैसे लगाना है। तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा, जैसा लगा आता है 100%, तो उसको ऐसे ही लगा रहना है, टिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को भी इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आगे मैं आपको बता दूं आगे क्या करना है, वापस आपको यहाँ पे शेप्स पे जाना है। शेप्स पे जाएंगे और इसका भी जो है वापस इसको सर्कल पे कर लेना है। इसके बाद सर्कल पे किया, अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे, और ऐसा यहाँ पे हम लोग इस टाइप का आपको एडजस्ट कर लीजिएगा कि ताकि ये जो है बाहर का पीछे का इसका जो है बैकग्राउंड वॉलपेपर है जो वो उसकी बाउंड्री लगे, मतलब कि आउटलाइन लगे। तो आपको ऐसा कर लेना है, मतलब कि ऐसे उसको सेट कर लीजिए। ये अच्छी तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने सेट कर लिया। इसके बाद करना क्या है हम लोगों को, अब इसको ऐसे छोड़ना है ऐसे। अब यहाँ पे ऊपर ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको इस टाइप का, ठीक है। अब आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, जब इस टाइप पे होगा इस विंडो पे, जब आपको ऑन होता है कुछ इस टाइप का इंटरफेस, इसमें आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक किया, इस टाइप का दिखता है। तो आपको यहाँ पे दो इन फाइल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो अभी आपने ये है, एक तो ये वॉलपेपर और एक ये, इन दोनों को आपको ऐसे टिक करना है। बस सवाल अपना टेक्स्ट है उसको छोड़ के। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये मर्ज का है, इस पर आपको क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। ओके किया, अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है,
बस आपको बैक आ जाना है, इस पे वापस क्लिक करेंगे। बैक आने के लिए आपको इसी जो है इसी लोगो पे वापस क्लिक करना होगा। बस अब आपको क्या करना है, इसे जो है ये मर्ज हो चुका है, आप इस पे सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो इरेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कर दीजिए। अब बस ये देखिए आप चाहे उसको साइज बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये देखिए थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया। और हाँ, बढ़िया सा वॉलपेपर यूज करें और आप टेक्सचर में लगा दें, बस यही प्रोसेस करना है। बड़े आसानी से आप एकदम प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब हो चुका है। अब एक और चीज आप चाहे तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो क्या करना है, वापस आप ए यानी टेक्स्ट जाओगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपने चैनल का, तो TSS मैंने लिखा था, आपका चैनल का नेम अगर कोई और है, जैसे कि आपका कोई और है, अपना नेम ही पे रखा है, जैसे मेरा है साहिल राजपूत, तो मैं SR डाल सकता हूँ, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने TSS डाला है, इसके नीचे में बहुत छोटे टेक्स्ट में अपना फुल चैनल का नेम डाल सकता हूँ। तो देखिए कैसे डालना है, हम लोग अपने चैनल का पूरा नेम डाल देते हैं, अपने चैनल का जो है नेम डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया अपने चैनल का नेम, डन किया यहाँ पे ओके। इसके बाद हम लोग को उसका साइज बहुत छोटा कर देना है, इतना भी नहीं कि दिखे ना, क्योंकि हम लोग को लोगों में दिखना भी चाहिए थोड़ा सा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना है, ये बी का स्टाइल पे वापस जाइए, बोल्ड कर दीजिए। इसके बाद उसको एडजस्ट कर लीजिए, ये जो टेक्स्ट है इसको एडजस्ट करिए। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कलर पे जाना है, कलर पे जाके आप उसका कोई भी कलर सेट कर लीजिए, आप रेड भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इसके बाद टिक, और आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्रोक भी ऑन कर सकते हो, जो स्ट्रोक है इसको ऑन करिए, लेकिन जो स्ट्रोक की विड्थ है जो देखिए यहाँ पे नीचे, आप जो स्ट्रोक की विड्थ देखोगे इसको आपको थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि बोल्ड भी है और आप स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दोगे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, मतलब कि आपको उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसके बाद बस ये हो गया, अब जो अंदर का टेक्स्ट है ये जो ये आप देख सकते हो TSS कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे, मतलब कि TSS मेरा लिखा भी हुआ है, चैनल का नेम, फिर नीचे ये आप अपने चैनल का नेम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। इसके बाद आप नीचे ये कर सकते हो, और जो मैंने प्रोसेस बताया आप उन प्रोसेस को करते हुए यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर ले, फिर आपका एक बहुत प्रोफेशनल लोगो बन जाएगा। आप चाहते हो जो पीछे टेक्स्ट है आप उसको हटाइए पहले, अगर आपको मतलब कि अच्छी तरीके से उसको और करना है, आप स्ट्रोक उसका कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रोक का ऑप्शन है इस पर आप इनेबल करोगे इसका, और आप ब्लू कर सकते हो, क्योंकि देखिए ब्लू थोड़ा मैच कर रहा है, तो आप ब्लू जो है मैच कर रहे हैं, ब्लू की जो विड्थ है वो कम रखिए। आप चाहे तो शेडो भी यहाँ से इनेबल कर सकते हो, शेडो है उसी कलर में आप इनेबल कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद बस, और ये वापस है हम लोग उसको वापस यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। और बस अब देखिए आपको यहाँ पे सेव करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या तो यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज, और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करते हुए आपकी जो इमेज है वो सेव हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अगर आपको इस टाइप का जो है लोगो बनाना है, और अगर आप इससे बेहतर भी बना सकते हो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लोगे। लेकिन देखिए मैंने आपको पिक्सल लैब पे बहुत ही प्रोफेशनली लोगो बता दिया है, तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।